आज तो गर्मी ज़्यादा है। आज अभी 11 बज रहा है और दो गाड़ियाँ आई थी, सुबह में आई थी, ये तो कल आई थी और ये वाला आज आई थी शाम को, और दोनों गाड़ी में एक ही प्रॉब्लम था, इसमें भी एक ही प्रॉब्लम था, ये भी मिस कर रही थी और ये भी मिस कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम रीज़न दोनों का अलग अलग था, किस कारण कर रहा वो प्रॉब्लम अलग अलग था। ये भी पूरा, ये तो एक्सीलेटर लेने पर बढ़ भी नहीं रही थी, और वो तो स्टार्ट जब आई थी तो स्टार्ट ही नहीं, दूसरे गैरेज से आई थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो लिबो है और ये ड्रीम युगा, दोनों सेम ही है, HET है दोनों, और देखो उसका तेल बंद है शायद, पाइप लगा हुआ है। तो वो गाड़ी भी वायरिंग का फॉल्ट था, वो कहीं से छिड़वा कर आए थे, और ये गाड़ी तो डायरेक्ट आई हमारे पास, तो इसका सिर्फ CDI उड़ा हुआ था। ये गाड़ी तो एक्सीलेटर लेने पर, एक्सीलेटर स्टार्ट हो रही थी और एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था, पूरा फुल एक्सीलेटर में भी वही बद 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 कर रहा था। और इसमें तो रेगुलेटर, CDI, पिकअप कॉइल तीनों चेंज हुआ इसमें, कहीं से छड़वा कर आए थे तो क्या करेंगे, है ना। और ये दिखाते हैं बैक कैमरा, ये पिकअप कॉइल नया है, ख़राब निकल गया, न्यू है एकदम, गाड़ी में लगाएं और स्टार्ट नहीं किए, मीटर से चेक किए तो ख़राब बता रहा था, मीटर रख दिया ना, कुछ भी नहीं बता रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, चेक कर दो इसको, कुछ भी नहीं बता रहा, प्लस है ना माइनस, ठीक है, फिर कुछ भी रीडिंग कुछ भी नहीं बता रहा, ये लगाने के बावजूद खोलना पड़ा, भैरव का है, तो फिर दूसरा पीस था मेरे पास, लग गया, काम हो गया, तो दो पीस लेते, हाँ दो पीस था तो खैर काम हो गया, नहीं तो फिर कल वाला झमेला हो गया, तो घुसा कड़े घुसा उसके बाद बाहर में, और Apache भी कंप्लीट हो गया इसका। तो भाई पिकअप कॉयल, रेगुलेटर और CDI, ये तीनों चीज़ चेंज हुआ, और लगा हुआ था लोकल कंपनी का, लगा है लोकल कंपनी का लगा हुआ था इसमें, हमने घुमा दिया, CDI लगा हुआ था लोकल कंपनी का, वो लगवा के आए कैसे थे, हमने बोले ये चलेगा नहीं, हटवा दिए, और इसमें सिर्फ CDI लगा, इसमें सिर्फ CDI, और दोनों फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। चलिए कहाँ रखा, तुरंत स्टार्ट हो रहा। ये भी तुरंत स्टार्ट हो रहा और ये भी तुरंत स्टार्ट हो रहा, नहीं तो थक जाते थे स्टार्ट करते करते, सेल्फ दोनों का खराब है, देख रहे दोनों, जबकि दोनों प्रॉब्लम करा था। नहीं पियेंगे, गाड़ी घुसा ना पहले, दोनों हो गया, 10BB है और E10AS है, ये आपका हो गया 15 मॉडल, वो 17 मॉडल है। यही तो हुआ आज, आज और भी काम था लेकिन हेडेक वाला काम में यही था हमारे पास, आज हेडेक वाला काम था, ये तो महा हेडेक था, लिबो दूसरे गैरेज में एक हफ्ता से खड़ा था, एक हफ्ता रेफर होके आया था, रेफर वाला गाड़ी ले लेते हैं लेकिन बोलते कि भाई टाइम लगेगा, है ना, काम होगा टाइम लगेगा आपको, एक दिन दो दिन, अगर सामान नहीं मिला तो 3-4 दिन 5 दिन, काम होने का गारंटी है, समय का गारंटी नहीं है, सामान लाने में पर डे माल लाने जाते फिर भी घटा हुआ ही रहता, रात में क्यों काम करते पता है, कोई नहीं है, देख रहे हैं रोड में कोई नहीं है, ए? कोई नहीं है, बस हम ही लोग दोनों हैं, एक लवर गया हुआ है गाँव, तो इसलिए इत्मीनान से काम होता है, और दिन में क्या होता है ना कि
कोई ना कोई आते रहता है, किसी को मडगार्ड लगाना है, किसी को ये लगाना है, तो किसी को वो लगाना है, फलना ढकना। और ये सब जो हेडेक वाला काम होता है ना, ये सब रात में होता है। पता है कभी कभी तो ऐसा होता है, रात में घर पहुंच जाते हैं 12:15 बजे, फिर भी कोई कस्टमर फ़ोन करते हैं, दुकान खुला है, ये काम कराना है। लहरा देता है इन लोगों को दुकान, रात भर खुला भी, 12-1 बजे तक तो खुला भी चाहिए, और सुबह 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 खोल दो। ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ये मेरा बसंती मेरा स्प्लेंडर, इसमें नींबू मिर्च टांग देंगे, बहुत कस्टमर आ रहा है इसका, बोला गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, भेज दो स्प्लेंडर। वाह, बहुत आदमी लोग बोलता है गाड़ी दे दो, मतलब बहुत कस्टमर, सिलेंडर का डिमांड ज़्यादा है, सिलेंडर जल्दी मिलता नहीं है। तो हम ही बोले थे, हाँ ना मिला टीवी तो ले गए, ठीक है टीवी तो ले, क्योंकि वहाँ तो कुछ चलाने वाला ना है, कभी जाएंगे तब ले निकालेंगे। घरे को पी लेते हैं, घरे को खराब बेना करते हैं मेरे। जाएंगे निकालेंगे, 2-4 दिन रहेंगे आज। बस यही तो चल रहा है, दिन भर दिन भर काम करो, रात में कान फाड़ के सो जाओ। गर्मी कितना पता है, और पंखा तो है लेकिन पंखा के पास कस्टमर वहाँ आया तो पंखा पास काम पॉसिबल नहीं है कि पंखा पास बैठ के काम करें। कल फिल्टर ऑर्डर में लिखा नहीं, फिल्टर आया नहीं, इसमें कुछ छुट्टी जाता है। और एक सामान कौन सी बोला था, CBZ वाला बोला था, उसका पहले और एक कोई कुछ बोला था, फुटरेस्ट किसका CBZ का फुटरेस्ट वाला लाने के लिए राइट था ना? हाँ। उसमें पल्सर वाला लग जाता, पल्सर वाला लगता है, लगाए क्या गाड़ी में? ये लोचा लग गया ना, खराब निकले तो लोचा लग गया, ऐसा बहुत लोचा लगते रहता हम लोग, बहुत ज़्यादा पसीना, देख रहे कितना पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना। कोई बात नहीं, हम लोग को पसीने पे वीडियो बनता है ना, 700 की वीडियो नहीं बना पाएंगे हम लोग, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, दुकान में कोई और काम करता नहीं है। घर बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।